नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। नाम मेरा रविंद्र राठौड़ और बाय प्रोफेशन मैं लेक्चरर हूँ। सभी को प्यार भरा नमस्कार, मेरा नाम है कीर्ति राठौड़ और सिंपल सी हाउस वाइफ हूँ। तो दोस्तों, आप सभी को बताते हुए बड़ा आनंद हो रहा है कि आज हम इस बिजनेस के कारण एक बहुत ही अच्छी जिंदगी हम लोग जी रहे हैं। हम बहुत खुश है, पूरा परिवार काफ़ी खुश है हमारा। इस अवसर ने हमारी पूरी ज़िंदगी को बदल दिया है। इस बिज़नेस की शुरुआत होती है तकरीबन आज से 6 साल पहले। 2015 में हमने इस बिज़नेस को करने का निर्णय लिया। दशहरे का दिन था और हमने सोचा कि आज इस सीमोल्लंघन कर देते हैं और बिज़नेस को शुरू करते हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी योजना से बेहतर योजना उस परमपिता परमात्मा की होती है, और हम अपनी योजना में अक्सर फेल तब होते हैं जब परमपिता परमात्मा हमारे लिए कोई और योजना डिज़ाइन कर रहा होता है। तो उस परमपिता परमात्मा का सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद, और धन्यवाद हमारे गुरुजी डायमंड गोयनका महेश कुमार किरण दुबी जी, इन्होंने हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है। आज ये अगर हमारे जीवन में नहीं होते तो आज हम आप लोगों से यहाँ पे बात नहीं कर रहे होते। जॉब चल रहा था मेरा, तकरीबन रोज़ाना मैं 5 घंटे की जर्नी करता था, और उसी जर्नी के दौरान मुंबई के लोकल ट्रेन में एक अनजान व्यक्ति से हमारी मुलाकात होती है, और मुलाकात दोस्ती में बदल जाती है, और वही दोस्त मुझे बिज़नेस के बारे में बताते हैं, और हम मुस्कुरा कर उन्हें कहते कि आप भी मत करिए और हमें भी मत बताइए। लेकिन इंसान बड़े अच्छे थे, उन्होंने देखा कि मैं कल्याण में अपने लिए घर ढूंढ रहा हूँ। तो एक दिन उनका फ़ोन आया, रविंद्र जी आप घर ढूंढ रहे हो? मैंने कहा हाँ। तो एक काम करिए, आप आधार कार्ड पैन कार्ड लेकर आइए हमारे घर। तो मुझे लगा कि कहीं कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह होगा, कुछ होगा, तो चलो चलते हैं। तो हम गए वहाँ पर, तो वहाँ जाने के बाद मुझे बिज़नेस प्लान दिखाया गया, तो मैं नाराज़ हुआ थोड़ा सा। मुझे बुलाया किसके लिए हो और आप कर क्या रहे हो? लेकिन बात तो तब खास हुई जब उन्होंने मुझे डेमोज दिखाए। यकीन मानिए, मैं प्रोडक्ट के डेमो देखकर बड़ा खुश हुआ, और मैंने कुछ प्रोडक्ट्स वहीं पर यूज़ किए। जब मैंने फेस वॉश लगाया तो मुझे लगा कि यार आज पहली बार शायद मैंने चेहरा साफ किया है। तो हमने बिज़नेस करने का तो कुछ मन नहीं बनाया, लेकिन हमने कुछ प्रोडक्ट्स लिए, और प्रोडक्ट लेने के बाद जब मैं प्रोडक्ट घर लेके आया तो कीर्ति जी ने कहा कि इतने बढ़िया प्रोडक्ट अगर जीवन में है तो हम इन्हें ही यूज़ करेंगे, क्योंकि आज तक हमने ऐसे प्रोडक्ट यूज़ नहीं किए थे। कपड़ा धोने का इतना खूबसूरत प्रोडक्ट है, बर्तन साफ़ करने का इतना खूबसूरत प्रोडक्ट है, नहाने का साबुन कितना बढ़िया है, बायोडिग्रेडेबल सेटिस्फैक्शन गारंटी के प्रोडक्ट, तो हमने प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू किया। अगर हमें डेमोज नहीं दिखाए जाते और हम प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते तो शायद इस अवसर को हम समझ नहीं पाते। लेकिन मैंने शुरू में ही कहा कि परमपिता परमात्मा की हमारे लिए प्लानिंग चल रही थी। तो मैं थोड़ा सा मीटिंग जाने के लिए बहाने बना रहा था, मीटिंग में नहीं जा रहा था, बार बार अपलाइन का फ़ोन आता था, रविंद्र जी इस मीटिंग में आइए आप। हम कुछ ना कुछ बहाना बना के टाल देते थे। और उसी दौरान कीर्ति प्रेग्नेंट थी, हमारी छोटी बेटी जो अभी 6 साल की है। तो प्रेग्नेंट होने के कारण हम कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे थे उस वक्त। तो कीर्ति को हमने कहा कि क्यों ना हम अगर कोई मेडिकल का कैल्शियम या आयन यूज़ कर रहे हैं तो उससे अच्छा है कि हम इस प्रोडक्ट को एंजॉय करते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए कि कितना अच्छा हमारा वो वक्त रहा कि डॉक्टर ने कहा कि आप न्यूट्रीलाइट यूज़ करिए, बेस्ट प्रोडक्ट है, और हमने न्यूट्रीलाइट यूज़ किया। अच्छा हुआ डॉक्टर ने ये कह दिया, नहीं तो हम वहाँ थोड़ा सा नेगेटिव भी हो सकते थे। लेकिन योजना तो प्लानिंग तो भगवान की थी, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। तो बार बार फ़ोन आने के कारण मैंने सोचा कि चलो एक बार इन लोगों के ऊपर एहसान कर देते हैं और हम लोग मीटिंग में जाते हैं। तो मैं अकेला ही मीटिंग में गया था उस वक्त। थाने में मीटिंग हो रही थी हमारी, और मीटिंग को होस्ट कर रहे थे थाने के ग्रेट लीडर, और बिजनेस प्रेजेंटेशन चल रहा था डायमंड गोयनका महेश कुमार दुबे जी का। तो जब हमने प्रेजेंटेशन को देखा तो कुछ खास रिलेट नहीं कर पाए हम लोग, क्योंकि हम बचपन से जिस अनुभव के साथ, जिस एजुकेशन के साथ, जिस संस्कार के साथ आगे बढ़ते हैं, वो शायद बड़ी चीज़ को समझने में शुरू में हेल्प नहीं करता है। तो हम वहाँ कुछ खास समझ नहीं पाए। मीटिंग ख़त्म होते ही कुछ लोगों ने हमें गुरुजी से मिलवाया, तो गुरुजी को जो देखना था हमारे भीतर वो देख लिए, हम वहाँ से चले गए। काफ़ी वक्त बीता, हम दोबारा मीटिंग में नहीं गए, और एक दिन एक अचानक से फ़ोन आता है और मुझे कहा जाता है, रविंद्र जी आप घर पर हो? हमने कहा मैं घर पर हूँ, तो हमें आपसे मिलने आना है। तो थैंक गॉड उस दिन मैं झूठ नहीं बोला कि मैं घर पर नहीं हूँ, नहीं तो इतने बड़े अवसर से हम लोग चूक जाते।
मैं अक्सर कॉलेज के दिनों में दोस्तों से कहा करता था कि तराशने वाले ने इस कदर तराशा है कि जहाँ भी जाओ चमकते रहो, पर बदकिस्मती हमारी कि हमें जौहरी कम मिले। मुझे नहीं पता कि मैं किस जौहरी की तलाश में था और मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों कहा करता था। और एक दिन जौहरी का हमारे घर आना तय था और उस हिसाब से जौहरी हमारे घर आए। एक घंटे की हमारी बहुत ही ज़बरदस्त मीटिंग हुई और उस मीटिंग से मुझे विजन पता चला, सही बिजनेस पता चला और सही एसोसिएशन के बारे में पता चला। और उसी दिन हमने हमारे गुरुजी के चरण स्पर्श किए और हमने कहा कि आज के बाद हम इस बिज़नेस को करने का निर्णय लेते हैं। दोस्तों, वो मीटिंग ने हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। मैंने शुरू में कहा कि ये प्लानिंग है उस परमपिता परमात्मा की, इतना आसान नहीं था। जब ये बिज़नेस मेरे जीवन में आया तब मैं तकरीबन 70,000 रुपये बैंक की EMI चुका रहा था। जितना मेरा इनकम था वही लगभग बैंक का EMI था। अब मेरे लिए घर परिवार चलाना, सब कुछ चलाना बहुत ही मुश्किल भरा वक्त था। तो क्या किया जाए, तो मैं कुछ ढूंढ ही रहा था लाइफ में। तो मुझे लगता था कि कभी कभी मैं कुछ कटलरी का छोटा मोटा शॉप डाल दूँ, दिन भर कीर्ति वहाँ पर रहेगी और फिर शाम में जब मैं कॉलेज से आऊँगा तो मैं कुछ वक्त वहाँ पर बिताया करूँगा। लेकिन उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट और वो सारा रिस्क लेने का उस समय इतनी मेरी पूरी तैयारी नहीं थी। और उसी दौरान बिज़नेस हमारे जीवन में आता है, क्योंकि आप जो ढूंढते हो वही आपको मिलता है। और ये बिज़नेस जब हमारे जीवन में आया तो 70,000 की EMI थी। अब 70,000 की EMI इसलिए थी क्योंकि मैं बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से, बहुत ही गरीब परिवार से, बहुत ही गरीबी से उठकर आया हूँ। तकरीबन मैं 6ठी क्लास से ही मजदूरी करना शुरू कर दिया था मैंने। मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार मजदूरी के लिए गया था तब 8 रुपये मुझे एक दिन के मिले थे, जब मैं 6ठी क्लास में था। और मैंने पूरा हफ्ता काम किया था और पूरा हफ्ता काम करने के बाद जो भी पैसा आना था मैं लेने के लिए गया था, लेकिन उन लोगों ने कह दिया कि नहीं, आपके यहाँ का अनाज हमारे यहाँ पीसने के लिए आता है ना, उसका पैसा कट गया, आपको कोई नहीं मिलेगा। तो मेरे आँखों में आंसू आ गए, तो पैसा नहीं मिलेगा। तो बचपन से मैं गरीबी देख रहा था, मैं लगातार काम करता था, उससे जो पैसा आता था वो मैं एजुकेशन में लगाता था। मम्मी पापा मेरे बहुत ही अच्छे, बहुत ही संस्कारी, बहुत ही जिंदा दिल लोग हैं, लेकिन पैसे का काम पैसा ही करता है। दूसरा, उनका कोई इतना बड़ा एजुकेशन नहीं था, किसानी करते थे और खेतीबाड़ी भी हमारी बारिश के पानी के ऊपर ही निर्भर करा करती थी, क्योंकि कुआं वगैरह नहीं था। तो मैं कॉलेज के दिनों में कुली का काम करते करते पढ़ाई करता था। मैंने हर एक काम को किया है क्योंकि उस वक्त मैं पैसे देख रहा था। मैंने किसी होटल में भी काम किया है, कुली का काम किया है, और जो पैसा आता था वो मैं एजुकेशन में लगाता था। पिताजी की दिली इच्छा थी कि वो हमें पढ़ाए, क्योंकि वो जानते थे अगर हम इस जीवन को बदलना चाहते तो सिवाय एजुकेशन के दूसरा कोई और रास्ता नहीं है। हमारा बेटा पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, जिससे हमारा जीवन बदल सकता है। तो उन्होंने हाई प्रायोरिटी पे एजुकेशन को रखा, एजुकेशन को डिस्टर्ब नहीं होने दिया। मैं घर में बड़ा था तो पिताजी के साथ साथ वो सारी जिम्मेदारियों को मैं महसूस करता था और मुझे लगता था कि मैं कुछ करूँ और पिताजी को हाथ बटाऊँ थोड़ा सा। सबसे मुश्किल दौर रहा मेरा कॉलेज के दिनों का। मुझे आज भी याद है जब मैं BEd करने के लिए मुंबई में शिफ्ट हुआ, तब मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं मुंबई में कमरा ले लूँ, फिर अप डाउन करूँ, फिर वहाँ पे मेस वगैरह लगा लूँ। ये मेरे लिए बड़ा चैलेंज था। तो 4-5 दोस्तों के साथ में मैंने रूम शेयर किया। वो दौर मेरे लिए आज भी मुझे याद है। मैं सुबह 4 बजे उठ जाता था, कल्याण के सब्जी मार्केट में जाता था और कुछ सब्जियाँ लेके आता था, कुछ वक्त के लिए घंटे 2 घंटे के लिए बेचता था और उसी पैसे से मैं एजुकेशन में खर्चा करता था। सबसे मुश्किल वक्त तब आया जब आखिरी में हमारे एग्ज़ाम आने थे और हम जब दोस्त साथ में रहते थे और हमारा गैस सिलेंडर उस वक्त ख़त्म हुआ। तो दोस्तों ने कहा अभी 4-5 दिन तो एग्ज़ाम को बचे हैं, अभी 4-5 दिन के लिए क्या सिलेंडर लाना है। तो अब वैसे हमें एग्ज़ाम चल रही है तो पढ़ाई के लिए वक्त भी चाहिए, तो हम ऐसा करते बाहर ही खा लेते। अब जिसके पास पैसा है वो बाहर खा लेगा, जिसके पास नहीं है वो क्या करेगा। तो उस वक्त मेरे पास पैसा नहीं था तो इसका मतलब ये था कि मुझे भूखा रहना था। तो तकरीबन 3 दिन बीत चुके थे, मैंने खाना नहीं खाया था। 3रे दिन मुझे लगा कि शायद आज मेरी जान चली जाएगी, मेरी तबीयत ख़राब होने लगी थी। फिर मैंने मेरे दोस्त को फ़ोन किया, संतोष तू कल आएगा ना यार मेरे लिए, आना घर से टिफ़िन लेके आना। और मैं इतना शाय टाइप का था उस वक्त, मैं किसी को कह भी नहीं सकता था। तो संतोष मेरे लिए खाना लेके आए, वो 3 दिन के बाद मैंने खाना खाया तो खाने के साथ मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे कि ये दौर क्या चल रहा है। लेकिन आपको कीमत चुकानी पड़ती है अगर आप कुछ चीज़ को हासिल करना चाहते हो। मेरे पास ये भी था कि मैं कॉलेज छोड़ के गाँव चला आता था, लेकिन नहीं, मुझे सब अंधेरा नज़र आ रहा था, मुझे लड़ना था। तो मैंने कॉलेज ख़त्म किया, 3 दिन के बाद मैंने खाना खाया, वापस से 2 दिन की जो एग्ज़ाम बची थी हमारी, जो कुछ पेपर्स बचे थे उसके लिए भी मुझे हिम्मत जुटानी थी।
दो दिन के बाद वापस मुझे बहुत तेज़ भूख लगने लगी थी। फिर मैंने एक बालू से कहा, अरे दोस्त आपके पास 2 रुपए हैं क्या? उन्हें कहा, क्यों? मुझे ना उस समय तुझे से अपने कीर्ति जी को सुना, काफ़ी सहयोग रहा कीर्ति जी का, क्योंकि ये अगर नहीं होती तो ये रास्ता, ये सफ़र और इस मंजिल तक पहुंचना काफ़ी चैलेंजिंग होने वाला था मेरे लिए, क्योंकि मैं 5 बजे कॉलेज से निकलता था। 5 बजे कॉलेज से निकलने के बाद मैं बिज़नेस प्रेजेंटेशन के लिए लोगों से मिलने के लिए बाहर निकलता था, और जब मैं नासिक पहुंचता था तो तकरीबन मुझे 8 साढ़े 8 बज जाते थे, और उसके बाद मैं इस काम को शुरू करता था। रात 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे मैं नासिक से निकलता था, और मैं घर पहुँचता था कल्याण में 4 बजे, 4:30 बजे। अब इतना लेट तो कोई खाना नहीं खा सकता है, तो मैंने बहुत सारे ऐसी रातें शाम के समय हमने खाना स्किप कर दिया है, क्योंकि सपना बड़ा है, क्योंकि बड़ी चीज़ हासिल करने के लिए आपको बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इतनी आसानी से अगर सभी लोग अमीर बन जाए तो दुनिया चल नहीं सकती है। तो हमने इस बिज़नेस की ब्यूटी को समझा, नेटवर्किंग की पावर को समझा, डुप्लीकेशन की पावर को समझा, और इस बिज़नेस को हमने हाई प्रायोरिटी दी। और हाई प्रायोरिटी देने का कारण ये हुआ कि हमारे लिए बिज़नेस बनता गया, आसान बनता गया, अच्छा बनता गया, बेहतर बनता गया। फिर 4 साढ़े 4 बजे घर पहुंचने के बाद मैं सोता था, सुबह वापस मैं 6 साढ़े 6 बजे उठकर एनर्जी ड्रिंक, एक्सेस एनर्जी ड्रिंक पीकर वापस से मैं जॉब पे चला जाता था। बहुत सारे रात समय हमने कम सोया है, बहुत सारी रातें हमने कम सोकर गुजारी है, सफ़र में लोगों से मिलते हुए एक जुनून सा हमने अपने ऊपर सवार कर लिया था, और वो जुनून आज भी बरकरार है, क्योंकि ऊपर वाला जब आपको कुछ देता है ना तो आपसे कहता है कि आप अगर कुछ कुछ अर्पण करोगे तो कुछ कुछ मिलेगा, बहुत कुछ अर्पण करोगे तो बहुत कुछ मिलेगा, और जिस दिन आप सब कुछ अर्पण करोगे ना तो सब कुछ मिलेगा। हमने इस बिज़नेस के लिए सब कुछ अर्पण कर दिया था, क्योंकि हमें पता था कि यही एकमात्र ऐसा बिज़नेस है जो आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। थैंक गॉड, थैंक गॉड, आज इस बिज़नेस के थ्रू हम पूरा कर्ज मुक्त है। आज किसी बैंक का कोई EMI बाउंस नहीं है, ही नहीं तो बाउंस कहाँ से होगा। किसी का फ़ोन नहीं आएगा, सर आपका चेक बाउंस हुआ है। आज हम पूरी तरह से कर्ज मुक्त और बहुत अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, सफलता की दिशा में पूरे टीम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जब ये बिजनेस जीवन में आता है ना, तब समझ में नहीं आता है कि हम इतनी बड़ी चीज को कर रहे हैं। चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी हाथ में हाथ लेकर आते हैं। बहुत बार हम अपॉर्चुनिटी छोड़कर चैलेंज पर फोकस करते थे, क्योंकि जिस वक्त बिजनेस मुझे मिला तो मेरा 5 घंटे का जर्नी था। मैं बोलता था 5 घंटा आना जाना फिर बिजनेस बनाना, ये कैसे हो पाएगा? लेकिन हमने कहा नहीं, यही तो एक मौका है जिससे हम जीवन को बदल सकते हैं, यही तो एक मौका है जिससे हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। और हमने इस चीज़ को करने का पूरा निर्णय लिया पति पत्नी, हम कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। आज जो जीवन है, अगर आज हम इस बिजनेस में नहीं होते तो मैं अगले 10 साल तक कोई कार खरीदने वाला नहीं था। रहा सवाल देश विदेश की यात्रा का, जो कीर्ति ने यहाँ पर दोहराया, हमने ठीक से मुंबई दर्शन भी नहीं किया था जबकि मुंबई में ही थे। ये बिजनेस हमारे लिए उस परमपिता परमात्मा का एक विशेष आशीर्वाद है, हमने इसको स्पिरिचुअल पावर के साथ में कनेक्ट कर दिया, तो सवाल ही खत्म हो गए हमारे। सवाल तो हर एक क्षेत्र में होते हैं, तो यहाँ पर अब हमारा कोई सवाल नहीं रहा। तो कोई सवाल न होने के कारण हमारा सबमिशन बढ़ा, और सबमिशन बढ़ा तो वो चीज़ हमारे लिए बड़ा काम करने लगी। हमने हमेशा से पति पत्नी ने देखा, जब हमने बिजनेस करने का ठाना तो हमने कहा आप मैके नहीं जाओगे, हम भी गांव नहीं जाएंगे, लेकिन हम इस बिज़नेस को दिल लगा कर बिल्कुल अपने बच्चों की तरह इसको संभालेंगे। आज मैं बहुत बार लोगों से कह देता हूँ कि आज हमें इस बिज़नेस से इश्क हो चुका है, क्योंकि हम इसके सिवा आज सांस भी नहीं ले सकते, क्योंकि जो अनुभव आज जीवन में आ रहा है, जो मान सम्मान मिल रहा है, जो प्यार मिल रहा है, वो कहीं और से नहीं मिलने वाला था। क्योंकि एक सिंपल जो गरीबी में जो इंसान बचपन बीता है, संघर्ष में जवानी बीती है, उसका पूरा जीवन ही संघर्ष में जाने वाला था। लेकिन आज हम पूरा परिवार एक साथ है, मम्मी पापा, हम दोनों पति पत्नी, हमारे बच्चे, हम एक साथ में होते हैं। अगर ये बिजनेस जीवन में नहीं होता तो मेरे पिताजी अभी भी खेत में काम कर रहे होते, क्योंकि अब 2400 घंटा काम करना पड़ता है। आज वो पूरी तरह से इस बिज़नेस के कारण फ्री है। अगर इतना सब कुछ जीवन में मिल रहा है, क्या एक समझ का होना ज़रूरी नहीं है? पर बहुत बार हम लोग ये कह देते हैं कि सर मेरे पास ना समय नहीं है। दरअसल ये बिज़नेस समय का नहीं, समझ का है। एक बार अगर आप समझ जाओगे ना तो ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। बहुत ही अच्छा एसोसिएशन, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स, और धीरे धीरे हम जब अच्छे बनते जाते हैं तो अच्छा बिजनेस भी बन जाता है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा परमपिता परमात्मा का इतने महान अवसर के लिए। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे गुरुजी डायमंड गोइंग कैम्प महेश कुमार किरण दुबे जी के लिए। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे स्पॉन्सर अपलाइन सुनील और मीनाक्षी खैरनार जी के लिए। अन्य भी हमारी बहुत सारी ग्रेट अपलाइन है। फाइनली मैं उस महान शख्सियत को यहाँ पर याद करना चाहूँगा जिन्होंने हमारे लिए नींव रखी, डायमंड गोइंग कैम्प, पंकज अनामिता टिटोरिया,
और उनके ग्रेट ग्रेट अप्लायंस सुमित और तान्या बहादुर जी, इनके एसोसिएशन में, इनके विजन में आज हम तेज रफ्तार आगे बढ़ रहे हैं। एक संभावना है बेहतर भविष्य की। एक विश्वास यदि हम लोग कर लेते तो एक महान विश्व का निर्माण हो जाता है। और यदि संभावनाएं हैं अगर बेहतर भविष्य की, तो संभावनाओं पर काम करिए। सिद्धांत कभी फेल नहीं होते, क्योंकि पिछले 60 साल से बिजनेस ने बहुत सारे लोगों के जीवन में कलर भरा है। और जब आपका नंबर आएगा तो ये उठेगा नहीं, ये 100% आपकी सफलता के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हैं? हम पति पत्नी बड़े खुश हैं। आइए मिलकर एक बेहतर शुरुआत करते हैं। आप सभी से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय। बिजनेस बनाने का तो हमने निर्णय लिया, लेकिन दिक्कत ये थी हमारे लिए कि हमारे पास लोगों की लिस्ट कम थी, क्योंकि हमारा सारा एजुकेशन गांव में हुआ था और हम जब मुंबई में आए तो जान पहचान थी नहीं हमारी। लेकिन उसी दौरान मेरा छोटा भाई जो मेरे पास था, तो हमने उनको साइन अप करवा लिया। तो उनके कुछ फिर क्लासमेट, उनके बैचमेट में से डाउन में जाके हमको मिले मनोज कुमार और भारती हिरे जी, जो इस बिज़नेस में प्लैटिनम गए। बाय प्रोफेशन वो भी लेक्चरर है और काफ़ी तगड़ा ऑर्गेनाइजेशन उनका छत्तीसगढ़ से लेकर अन्य और भी राज्यों में। फिर धीरे धीरे हम इस बिज़नेस को आगे बढ़ाते गए और फिर भाई का शादी का वक्त आया और फिर मैं बड़ा होने के कारण शादी का कार्ड भी बांटना था, तो उसी लिए मैं रिश्तेदारों के यहाँ कार्ड बांटने गया। तो हमारे एक रिश्तेदार ने हमसे पूछ लिया नासिक में कि हम आपको देखते हमेशा ब्लेजर पहने होते हो, फेसबुक पर अच्छी अच्छी पोस्ट डालते हो, आप कौन सा बिज़नेस करते हो? तो यहाँ आप एक सीख सकते हो कि शायद मेरे पास इतना उस वक्त सेल्फ इमेज नहीं था कि मैं हर एक से बात कर सकूं। तो रिश्तेदार होते हुए भी हमने कभी उनको बिज़नेस के बारे में नहीं बताया था, तो ये एक गलती हो सकती है, तो हमें सबको बताना चाहिए। तो हमने कहा कि मैं बहुत बड़ा बिज़नेस करता हूँ। तो रिश्तेदार ने कहा कि हम नहीं कर सकते क्या? हमने कहा अरे वाह, आप तो पहले कर सकते हो। तो उन्होंने कहा हमें बताइए। तो हमने कहा शादी तो कार्ड बाद में ही बांट देंगे, अभी तो पहले इनको प्लान दिखा देते हैं। और प्लान दिखाया, वो पति पत्नी साइन अप हो गए और वो अभी इस बिज़नेस में फाउंडर प्लैटिनम है, सुनील और कविता पवार जी, दोनों नासिक से है। सुनील पवार जी बाय प्रोफेशन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है और कविता जी एग्री ऑफिसर है। और पति पत्नी ने निर्णय लिया और नासिक में हमारा बिज़नेस स्टार्ट हुआ बहुत बड़ा। फिर उनके नीचे बहुत सारे लोग आए, अब बहुत सारे क्वालिफिकेशन में हैं। फिर उनके लिए काम करते 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 एक बार मैं एमबीए ऑफिस नासिक में बैठा था और अचानक से एक महिला ऑफिस में आती है, कुछ प्रोडक्ट की जानकारी लेकर कुछ प्रोडक्ट लेना चाहती है। तो वहाँ काउंटर पर बैठे बंदे ने कहा कि वहाँ एक इंसान बैठे हैं। देखिए उस दिन मेरे ऑफिस जाने की कोई योजना नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी और ना ही मैडम की भी खास कोई प्लानिंग थी। उन्होंने अपनी गाड़ी का रुख ऑफिस की तरफ मोड़ लिया और हम भी वहाँ चले गए। शायद ये परमपिता परमात्मा की योजना थी कि हमारी मुलाकात हो और हमारी एक और नई लेख वहाँ पर बने। और वो मुलाकात इतनी ज़बरदस्त हुई, उन्होंने बिज़नेस करने का निर्णय लिया और वो भी इस बिज़नेस में फाउंडर प्लैटिनम गोइंग एमरल्ड, डॉक्टर हीरालाल पवार जी और डॉक्टर स्मिता मैडम जी, उन्होंने इस बिज़नेस को करने का निर्णय लिया और वो हमारी क्वालिफिकेशन की तीसरी लेख बने। और वो एक कपल आने के बाद में बिज़नेस में काफ़ी बहुत ही बेहतरीन ढंग से बदलाव आने शुरू हो गए। अन्य हमारे मित्र श्रीराम पवार जी और लता पवार जी। फिर धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता गया, लोग सामने से आकर मिलते रहे, आरती नरोड़े जी। और यकीन मानिए जो कपल है, आरती नरोड़े और शिवाजी नरोड़े कपल, ये अभी क्वालिफिकेशन में है। उनके डाउन में संतोष कुमावत जी आए। धीरे धीरे सारे लोग सामने से आकर मिलते रहे, कोई फेसबुक के थ्रू, कोई मिलते रहे कहीं ना कहीं रास्ते पर, और लोगों ने कहा कि हमने आपके साथ बिजनेस बनाना है। तो एक सीख ये है कि यदि हम शिद्दत से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, टीम के लिए काम करते हैं, तो हमारी सफलता की जिम्मेदारी भगवान की बन जाती है और भगवान हमें सामने से लोगों को मिलाता है। फिर विरार में एक कपल है जो विरार में रहते थे, अभी कल्याण में रहते हैं, किशोर और आशा नाइक जी। इन्होंने हमारे फेसबुक पर देखा कि हम वर्ल्ड टूर करना शुरू कर दिए, तो उन्होंने बिजनेस करने का ठान लिया। और वैसे ही हमारे दूसरे मित्र विजय सालवे जी और दीपा सालवे जी, इन्होंने भी सारी लाइफस्टाइल देखकर सोचा कि क्यों ना हम भी इनके साथ जुड़ जाए। तो धीरे 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 कारवा बढ़ता जा रहा है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि सभी का नाम लेना यहाँ पे बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये वो लोग हैं जो अपनी सफलता के लिए आज दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो इसमें से सीख यही है कि बस आप सिर्फ काम करो। हम बहुत बार भगवान को तो मानते हैं, लेकिन भगवान की बातों को नहीं मानते, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्मण्येवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन। आप सिर्फ कर्म करो, जब आप कर्म करते हो ना, तो आपके कर्म का फल देने की पूरी जिम्मेदारी उस भगवान की हो जाती है। लेकिन हम कभी कभी वो कहते हैं ना कि हमारे अंदर अगर संयम नहीं है, धैर्य नहीं है, हम अगर धैर्य खो देते ना,
तो हमको लगता है कि दो चार पांच लोगों से बात किए कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, दो चार पांच लोगों से बात किए लोग मना कर रहे हैं। अगर दो चार पांच लोगों से बात करके अगर आप अमीर बन सकते हो तो दुनिया के सारे काम ठप हो जाएंगे दोस्त। इंसान अपनी हैसियत अपनी काबिलियत से ज़्यादा पैसे नहीं बनाता है, बहुत बार पैसे बनाने के लिए टूट पड़ते हैं, लेकिन जिस दिन हम अपनी काबिलियत पे काम करते हैं ना तो हमारा काबिलियत बहुत बड़ा बिजनेस बना देती है। हमारा सारा बिजनेस भगवान ने बनाया है ऐसा हमें लगता है, क्योंकि एक दो एक्सीडेंट नहीं हो सकते, एक दो वाक्यात आपके जीवन में ऐसे नहीं हो सकते, ये पूरी श्रृंखला है भगवान के द्वारा रची गई। तो हमें सफलता के लिए तैयार रहना है, क्योंकि शिद्दत से अगर आप कुछ चाहते हो ना तो पूरी कायनात उसे आपको मिलाने की साजिश में लग जाती है। लेकिन हमें सच्चा बनना है, अच्छा बनना है, और हमारे गुरुजी ने कहा है कि कभी टीम को डाउनलाइन नहीं कहना है, ये सब हमारे बिजनेस पार्टनर हैं। इन सभी की सफलता हमारे लिए बड़ी मायने रखती है, क्योंकि ये सफल बनेंगे तो हम सफल बनेंगे। तो आज हमारा पूरा परिवार बड़ा कमिटेड परिवार है, एमवे के माध्यम से इतने महान लोग आज हमें इस बिजनेस से मिले हैं कि हम लाख लाख धन्यवाद करते हैं उस परमपिता परमात्मा का। एक बेहतर ज़िंदगी दी है एमवे ने हमें, हम पति पत्नी हाथ जोड़कर एमवे का लाख लाख धन्यवाद करते हैं।